नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। हम बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग ले रहे हैं, उसके अंदर आज हम ले रहे हैं धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा टॉपिक लेंगे धारावाही चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें एक कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और कुंडली की त्रिज्या R है। हमें ज्ञात करना है इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसके लिए हम बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करेंगे। इसके लिए इस कुंडली के परिधि पर एक अल्पांश लेता हूं डेल एल, और अल्पांश हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो यहां से दूरी, ये दूरी स्मॉल आर। तो बायो सावर्ट के नियम से अल्पांश के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखूंगा मैं, बायो सावर्ट के नियम से O पर अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहता है बायो सावर्ट का नियम, डेल बी बराबर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर स्मॉल आर कितना है हमें दे रखा है, कुंडली की त्रिज्या R है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल R इज इक्वल टू कैपिटल R। यहां लिख सकते हम स्मॉल, यहां स्मॉल R इज इक्वल टू कैपिटल R। दूसरी बात है थीटा, थीटा कितना होगा, थीटा ये अल्पांश और R के बीच की दूरी। इस तरह से अगर मैं ये मान लू अल्पांश यहां ले लू तो ये एंगल चाहिए मुझे इस तरह से, और ये एंगल हमेशा कितना होगा 90 डिग्री। यहां आर इक्वल टू कैपिटल आर और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो डेल वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डेल एल साइन 90। और दूसरा काम क्या करूं मैं, स्मॉल आर की जगह क्या रख दूं, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर। डेल बी बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डेल एल अपॉन क्या, आर स्क्वायर। ये हमने बायो सावर्ट के नियम के उपयोग द्वारा इस छोटे से लेंथ डेल एल के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया, लेकिन हमें तो क्या ज्ञात करना है, इस संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः संपूर्ण कुंडली के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कह दू में आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। आई और आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, चाहे तो उसको भी बाहर ले ले, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल, और डेल एल का इंटीग्रेशन क्या, इस तरफ ले रहा हूं आगे, यहां
इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल, इसकी पूरी लेंथ अगर ऐसे करके सभी डेल एल को अगर हम जोड़ते जाएं तो पूरी इसकी लेंथ होगी, यानी इसकी परिधि होगी, और परिधि का मतलब होता है 2πr। तो क्या लिखूंगा, 2πr। तो b इज इक्वल टू मिला हमें म्यू नॉट आई अपॉन 4πr² इंटू क्या, 2πr। एक r से एक r कैंसिल, 2π से कितनी बार, दो बार। तो b इज इक्वल टू मिल गया हमें म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इस तरह से हम इस कुंडली के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। यहां अगर फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या अभी तो हमने एक माना है, यहां दो हो, तीन हो, चार हो, n हो, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिख दूं, यदि फेरों की संख्या n हो तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। इस तरह से हम इस धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है, एक धारावाही कुंडली जिसकी त्रिज्या है 10 सेमी दे रखा है, r बराबर कितना, 10 सेमी, इसमें फेरों की संख्या है 100, n दे रखा है 100, और इसमें प्रवाही धारा है 2 एम्पीयर, i इज इक्वल टू दे रखा है 2 एम्पीयर। पूछा है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, पूछ लिया b कितना होगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या, केंद्र के लिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। सॉल्व करें इसको, वैल्यू रखें, म्यू का मान, म्यू नॉट का मान होता है 4π (10⁻⁷), n की वैल्यू दे रखी है 100, i का मान दे रखा है 2 एम्पीयर अपॉन 2, और r यहां पर सेंटीमीटर में दे रखा, हमें चाहिए ऐसा ही सिस्टम है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, यही कन्वर्ट कर दूं, 10⁻², और किस में हो जाएगा अब ये, मीटर में। तो यहां से 2 10⁻², सॉल्व करें इसको, एक जीरो कैंसिल, दो यहां से कैंसिल, ये हो गया 4π (10⁻⁷), यहां से -7 है, -2 है, कितना -5, और एक 10 है ये भी कम कर देगा, यानी -4, 10⁻⁴ टेस्ला। इस तरह से हम धारावाही कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, यह है धारावाही चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चाप से मतलब है एक कुंडली का कोई भाग, पूरी कुंडली नहीं, कुंडली का एक भाग जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, त्रिज्या इसकी r है, और हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए भी मान लिया इसके परिधि पर एक अल्पांश डेल एल है, डेल एल से ओ की दूरी r है, फिर से क्या,
बायो सावर्ट के नियम से इधर से बायो सावर्ट के नियम से ऊपर चुंबकीय नियम से डेल एल के कारण, डेल एल के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी बराबर में क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सेम डेरिवेशन है इसके लिए भी जैसा हमने कुंडली के लिए लिया था। यहां आर इज इक्वल टू क्या, फिर से कैपिटल आर, और थीटा इज इक्वल टू भी क्या 90। तो डेल बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डेल एल साइन 90, साइन 90 अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो डेल बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डेल एल साइन 90 होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने इस अल्पांश के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। अतः संपूर्ण चाप के कारण, अतः संपूर्ण चाप के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करें, पहले की तरह इंटीग्रेशन कर दें। तो B इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। B इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल। यहां तक का डेरिवेशन जो है वो कुंडली के लिए भी हमने सेम ही लिया था। बस इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल में यहां पे चाप की लंबाई लेने वाला हूं और वहां हमने लिया था 2 पाई आर, और मान लिया हमने चाप की जो लंबाई है, चाप की जो लेंथ है टोटल वो एल है। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल को मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल एल। यहां इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई एल अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर। ये इस तरह से हम चाप के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। यही अगर हम बात करें, प्रॉब्लम में दिया हुआ हो कि यहां से ये एंगल हमें मालूम हो, ये एंगल पता हो, मान लो ये एंगल है अल्फा, तो हमें मालूम है फॉर्मूला, थीटा बराबर एंगल बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। चूंकि अल्फा इज इक्वल टू चाप क्या है एल अपॉन आर, एल बराबर मैं क्या लिख सकता हूं अल्फा आर, वैल्यू रख दो यहां पर एल की, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल की वैल्यू अल्फा आर अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन फोर पाई आर। इस तरह से हम किसी चाप के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं जो कि सेंटर पर केंद्र पर अल्फा एंगल बना रहा है। यहां पर एन नहीं लेते हैं। कई बार देखा गया है फॉर्मूला पूछते हैं किसी बच्चे से कि किसी चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो वहां पर
फॉर्मूला ये बच्चा बोलता है म्यू नॉट एन आई अल्फा, यहां पर एन भूलकर भी नहीं लिखे आप। यहां पर एक चाप है, चाप में कोई फेरों की संख्या नहीं होगी, चाप सिंगल होगा। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके ऊपर। इस तरह का कोई चाप है जिसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी त्रिज्या है 10 सेमी। पूछ लिया केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो यहां पे अल्फा कितना है, अल्फा ये वाला एंगल है और अल्फा इज इक्वल टू कितना 3π/2। 1π/2, 1π/2 ये और 1π/2 ये, 3π/2। तो B इज इक्वल टू होता क्या है, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन क्या लिया था 4πr। म्यू नॉट की वैल्यू 4π(10⁻⁷), I कितना 3 एम्पियर, अल्फा कितना 3π/2 अपॉन 4π और आर की वैल्यू कितनी 10 सेमी, और 10 सेमी को कैसे कन्वर्ट करूं, 10⁻², 4π से 4π कैंसिल, यहां से 10⁻², -5 हो जाएगा और एक 10 माइनस के टर्म में ऊपर जाएगा, या यहीं से कह दूं यहां बचेगा दोनों को सॉल्व करने पर 10⁻¹, लिख लेते हैं ऐसे ही 9π/2 10⁻¹, और यहां से क्या मिला 10⁻¹, यहां से 4.5π और 10⁻¹⁶ टेस्ला। इस तरह से हम किसी धारावाही चाप के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।